कुंडली सिंघू बॉर्डर पर लगातार पुलिस द्वारा बॉर्डर को सील किया हुआ है और ऐसे में किसानों द्वारा एक बार फिर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जहां सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर लगातार आरएएफ की टीम पूरी मजबूती के साथ सुबह से ही खड़ी हुई नज़र आ रही है। हालाँकि सुबह के वक्त जो है एक मॉक ड्रिल भी जो है प्रतिदिन होता है, हालाँकि पूरा दिन स्थिति मजबूत रहती है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा बढ़ाई गई है और एक और पत्थर के बैरिकेड के ऊपर अब कटीली तारों का बैरिकेड जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ आरएएफ की टीम में जो है पूरी मुस्तैदी के साथ नज़र आ रही हैं और लगातार अलग अलग बैरिकेड्स हैं। और इस सामने NH 44 जो कि पानीपत की तरफ जाने वाला मार्ग है और इस साइड में जो है दिल्ली पुलिस के जवान जो खड़े हुए हैं, ये मुख्य मार्ग दिल्ली की तरफ जाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लगातार बॉर्डर बंद है और बॉर्डर बंद होने के साथ साथ जो है स्थानीय लोगों के साथ साथ जो स्कूली जाने वाले बच्चे हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत परेशानी है, क्योंकि CBSE के एग्ज़ाम भी जो हैं अब चल रहे हैं। ऐसे में पूरी मुस्तैदी के साथ दिल्ली पुलिस के महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष पुलिसकर्मी हो, पूरी मुस्तैदी के साथ सुबह के वक्त मॉक ड्रिल के लिए शामिल हुए हैं और लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया जो है रहती है। हालांकि जिस प्रकार से एक बार फिर बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में मैं एक तस्वीर और आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहां पर अब सुरक्षा और बढ़ाई गई है। पीछे की तस्वीर जो है यहां पर देख जा सकती है कि जवान जो है पूरी मुस्तैदी के साथ नज़र आ रहे हैं और पीछे जो है अलग अलग बैरिकेड्स जो हैं इसी प्रकार से लगाए गए हैं। अब एक लेयर और यहाँ बढ़ाई गई है, सामने देखी जा सकते पत्थर के जो बैरिकेड्स हैं उसके ऊपर कटीली तार ये साथ में जोड़ी गई है। कल इस पर कार्य चल रहा था, आज पूरी तरह से ये मजबूत कर दी गई है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरएएफ की टीम पूरी मजबूती के साथ है और करीबन बात करें तो यहाँ पर देखा जा सकता है काफ़ी जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं लगातार अलर्ट मोड पर हैं और जिस प्रकार से सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जिस प्रकार स्थिति ये भी है कि हरियाणा पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ दिल्ली पुलिस के साथ खड़ी है और सोनीपत में करीबन 12 कंपनियां लगाई गई हैं, 2000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तैनात की गई है। निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और सोनीपत और पानीपत की पुलिस पट्टी कल्याणा में एक जगह खड़े होकर पूरी मजबूती के साथ जो है किसानों को रोकने के लिए रणनीति पहले से बनाए हुए हैं और सोनीपत और दिल्ली में लगातार धारा 144 के नियम लागू हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।